आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ये स्मोकी आई लुक ट्यूटोरियल। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि मैं ये स्मोकी आई लुक कैसे करती हूँ। वैसे तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, बट जो भी चीज़ें मैं करती हूँ ये लुक अचीव करने के लिए, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला होता है प्राइमर। तो मैं ये कलर एसेंस का पोर रिफाइनिंग प्राइमर यूज़ करती हूँ, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्राइमर। आपके स्किन को एक मैटिफाइंग लुक दे देता है और पोर्स को भी कैमोफ्लाज कर देता है। फिर मैं कंसीलर के साथ शुरू कर रही हूँ। मैं ला गर्ल का प्रो कंसीलर लेके अपने आँखों के आसपास लगा के और उसको एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अपने आँखों के आसपास ब्लेंड कर रही हूँ। एक बार ये ब्लेंड हो जाता है फिर मैं पहले आई मेकअप के साथ शुरू करूँगी। तो आई एम स्टार्टिंग विथ माई आईब्रोज। आई एम यूजिंग दिस आर्क अराइवल पेंसिल फ्रॉम शुगर एंड द शेड इज 01। ये ब्राउन कलर का शेड है। इससे मैं जितनी भी खाली जगह है ना अपने आईब्रोज की उसको फिल इन कर रही हूँ। पुली से इसको कोम कर लिया। फिर बाद में मैंने प्लम का काजल लिया है और एक बहुत मोटा सा लाइन ड्रॉ कर लिया है। एक ब्रश की मदद से इसको मैंने स्मज कर लिया है अच्छी तरीके से। तो आपको स्मज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो टेक योर टाइम एंड स्मज इट वेरी नाइसली ऑन योर आईलिड्स। एक बार ये बहुत अच्छी तरीके से स्मज हो जाता है उसके बाद से मैंने क्या किया है कि मैंने अपने मेकअप रेवोल्यूशन का जो पैलेट है उसमें से ब्राउन कलर लिया है और ब्राउन कलर को अपने क्रीज के अंदर फिल इन कर रही हूँ मैं, ताकि ये जो काजल है और ये ब्राउन कलर है दोनों एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाए। इसको अच्छी तरीके से फिल इन करने के बाद इसी में से एक ब्लैक कलर लेके जो पेंसिल से मैंने काजल ड्रॉ किया था वहीं पे ये जो ब्लैक कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ और ब्राउन कलर के साथ इसको स्मज कर रही हूँ। एक बार ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है सारा एक जैसा दिखने लग जाता है और उसके बाद से हम क्या करेंगे कि ये जो काजल है वो लेके अपने लोअर वाटर लाइन पर लगाऊंगी और फिर से इसको भी स्मज कर लूँगी यूजिंग द सेम ब्रश। स्मज होने के बाद वही ब्राउन कलर जो ऊपर लगा है उसको लेके आंखों के नीचे लगा दूँगी ताकि एक अच्छा सा डेफिनेशन मिले। जो मेरा आईब्रो के नीचे का बोन है ना उसके नीचे मैं एक क्रीम कलर का जो पाउडर है इसमें वो लगाऊंगी। देन आई एम गोइंग टू अप्लाई सम शिमर शेड ऑन द ब्राउ बोन ताकि एक अच्छा ग्लिटरी सा इफेक्ट मिले। और जो ब्रश है ना उसके पीछे की जो नोक है उसको लेके और अपने आईज़ का जो कॉर्नर है उसके अंदर मैंने ये गोल्डन कलर लगा दिया है। अब आते हैं मस्कारा की बारी। अगर मस्कारा लगाने से पहले आप अपने आईलैश को कर्ल कर लेते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, आपके आईलैश अपलिफ्टेड लगते हैं। मैं यहाँ पे मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और ये मस्कारा काफ़ी अच्छा है। मैं जिगजैग मोशन में अपने जो अपर आईलिड है उसमें ये मस्कारे को अप्लाई कर रही हूँ, लोअर लिड पे भी किया मैंने अप्लाई। और ये एक लुक हो गया, आप यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको और ड्रामेटिक बनाने के लिए फॉल्स लैशेज लगा रही हूँ। ये फॉल्स लैशेज मैंने एक लोकल शॉप से लिया है और जो ग्लू है वो स्विस ब्यूटी का है। एक बार ये हो जाता है उसके बाद ही मैं अपने पूरे फेस का मेकअप करती हूँ। ये इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि ये अगर आप स्मोकी आई लुक करते हैं तो जो ब्लैक आई शेडो है उसका फॉल आउट हो सकता है और आपका मेकअप ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप एक स्मोकी आई लुक करें या कोई भी डार्क आई लुक करें तो मेक श्योर कि पहले आप अपने आईज़ का मेकअप कर लीजिए। एक बार आईज़ का मेकअप हो जाता है उसके बाद से यू गो ऑन विथ योर फुल फेस ऑफ मेकअप। इससे क्या होता है कि जो फॉल आउट है वो अगर कुछ फॉल आउट होता भी है आपके चेहरे पे तो वो आपका मेकअप नहीं ख़राब करेगा। फिर उसके बाद से नॉर्मली मैं जो भी मेकअप करती हूँ फाउंडेशन और ये सारा लगा के, एंड दिस इज़ हाउ माई फाइनल लुक हैज़ टर्न आउट।